दोस्तों आप लोगों में से कई ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने मेरे से स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में पूछा है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के सीरीज में मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क का डिटेल ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूं। दोस्तों उस ट्यूटोरियल का ये सबसे पहला जो सेशन है जिसमें मैं आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूं, तो अगर स्प्रिंग फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन आप देखना जानना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन क्या है वो जरा आप सुनिए। देखिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क को जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो ये है कि भाई स्प्रिंग एक ओपन सोर्स लाइट वेट जावा बेस्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। ये एक ओपन सोर्स लाइट वेट जावा बेस्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क है आप ऐसे बोल सकते हो। फ्रेमवर्क क्या होता है और एपीआई क्या होती है, फ्रेमवर्क एपीआई में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज का जो डिटेल ट्यूटोरियल है वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेमवर्क कुछ नहीं होता है, सेट ऑफ एपीआई होती है विच वर्क्स ऑन द प्रीडिफाइंड एल्गोरिथम एंड टारगेटेड टू द स्पेसिफिक डोमेन। फ्रेमवर्क समझ लो कि एक ऐसा सेट ऑफ एपीआई होती है जो किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए बनाया जाता है, तो उसके अंदर इनबिल्ट एल्गोरिथम्स होते हैं। दोस्तों स्प्रिंग को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करती है, तो सिंप्लीफाई द इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन जावा। और इसको ओरिजिनली रोड जॉनसन ने फरवरी 2003 में एक स्प्रिंग सोर्स करके कम्युनिटी है उसके थ्रू इसको डेवलप करा था। तो ये बेसिकली रोड जॉनसन ने इसे डेवलप करा था। स्प्रिंग फ्रेमवर्क केवल जावा के लिए नहीं, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क .NET के लिए भी अवेलेबल है, यानी कि ये जो है इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को यूज करके .NET वाले भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिसका नाम है स्प्रिंग .NET। स्प्रिंग फ्रेमवर्क आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक जावा प्लेटफॉर्म है दैट प्रोवाइडिंग द कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर द डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन। ये जो लास्ट वाली डेफिनेशन है ये बेसिकली स्प्रिंग के खुद के जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे दिया गया है कि स्प्रिंग एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो जावा बेस्ड एप्लीकेशन को कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करता है और ये किसी वेब एप्लीकेशन के स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को फास्ट करता है। दोस्तों अगर आप स्प्रिंग की और डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे तो इसको आप बोल सकते हो कि एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है जो कि हमें ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी को सिंप्लीफाई करता है। देखिए एक प्रोजेक्ट लेवल पे ऑब्जेक्ट का ही सबसे बड़ा यूज होता है। अगर आप किसी भी वेब डेवलपमेंट स्टैंडअलोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो वहां पे आपके उस एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा रोल होता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें, ऑब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें, इन सारे काम के लिए बेसिकली स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग में ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट का मॉडल दिया गया है, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ये भी डेफिनेशन है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो होता है ये इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है। इसके अंदर स्ट्रट्स एमवीसी भी अवेलेबल है, हाइबरनेट का ORM भी अवेलेबल है, वेब सर्विसेज अवेलेबल है, शेड्यूलर एजेक्स ईजेबी JSF जैसी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो इसीलिए हम इसको फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क्स भी बोल सकते हैं कि स्प्रिंग बेसिकली कई फ्रेमवर्क का एक सिंगल फ्रेमवर्क है और ये फ्रेमवर्क किसी वेब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई ऐसे करता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है जिसके वजह से स्प्रिंग बनाया गया, ओरिजिनली इसी के लिए बनाया गया था, उसके थ्रू हम एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को ऑब्जेक्ट के मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। और ये जो फ्रेमवर्क है ये वेरियस फ्रेमवर्क का कॉम्बिनेशन, इसको हम फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड्रॉइड फ्रेमवर्क स्प्रिंग फ्रेमवर्क की हिस्ट्री के बारे में। देखिए हिस्ट्री अगर इसकी बात करें तो हिस्ट्री में सबसे पहले आता है 2002 में रूड जॉनसन ने अपना एक बुक निकाला था जिस बुक के थ्रू इस पर्टिकुलर स्प्रिंग को उन्होंने लॉन्च करा था। द फर्स्ट वर्जन ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क वॉज रिटन बाई द रूड जॉनसन अलॉन्ग विद अ बुक इन 2002। एंड उसके बाद इसका जो दूसरा रिलीज उन्होंने निकाला 2.0 निकाला वो 2003 के अंदर निकाला, इसका जो फर्स्ट रिलीज आया। इसके बाद स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर थोड़ा इन्हांसमेंट करा गया और स्प्रिंग फ्रेमवर्क 2004 में इसका 1.0 रिलीज आया। इसके बाद स्प्रिंग 2.0 जो कि 2006 में आया जिसमें XML के थ्रू डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करा गया। देन उसके बाद 2007 में XML के थ्रू तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे आप काम कर ही सकते हो, इसके अलावा एनोटेशन के थ्रू भी आप काम कर सकते हो। दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क आज के टाइम पे जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो XML बेस्ड हैं और जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो सब एनोटेशन बेस्ड बन रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बेसिकली XML और एनोटेशन दोनों पे काम होता है। ये बेसिकली
2012 के अंदर स्प्रिंग का 3.2 वर्जन आया, जिसमें स्प्रिंग के अंदर बहुत सारी चीजों का सपोर्ट दे दिया गया, जैसे जावा 7, हाइबरनेट 4, सर्वलेट 3.0, ऐसी बहुत सारी चीजों का इसमें सपोर्ट दे दिया गया, जिसमें मिनिमम जेडीके की जो रिक्वायरमेंट है वो 1.5 थी। इसके अलावा स्प्रिंग 2014 के अंदर स्प्रिंग 4 आया, जिसमें जावा 8 का सपोर्ट दिया गया, और अब 2014 के अंदर स्प्रिंग बूट नाम का भी एक कंसेप्ट आ गया है। तो ये इसकी हिस्ट्री है। वैसे अगर हम इसकी बेनिफिट की बात करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखिए, स्प्रिंग फ्रेमवर्क नॉन इंटरेंसिव है। नॉन इंटरेंसिव मींस दैट योर एप्लीकेशन कोड डजंट नीड टू डिपेंड ऑन द स्प्रिंग फ्रेमवर्क डायरेक्टली। मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क डज नॉट फोर्स द प्रोग्रामर टू इनहेरिट एनी क्लास और इंप्लीमेंट्स एनी इंटरफेस। यानी कि अगर सपोज करो कि आप स्प्रिंग के अंदर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो स्प्रिंग ये नहीं कहता कि ये क्लास है, ये इंटरफेस है, इसको आप इंप्लीमेंट करो तभी आप प्रोग्राम बना पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें एक्सएमएल और एनोटेशन बेस्ड है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो देखिए, स्प्रिंग फ्रेमवर्क आज के टाइम पे कंपनीज लेवल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्रेमवर्क है, जो कि लूजली कपल्ड है, जो कि नॉन इंटरेंसिव है। इसके अंदर बेसिकली ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो फीचर है, इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ना, लूजली कपल्ड है, क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन होती है। किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की जिम्मेदारी जो प्रोग्रामर के हाथ में होती थी, वो स्प्रिंग ने छीन लिया, वो खुद ही बनाता है। और एक इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर की जो डिपेंडेंसी होती है, जिनको हम डेटा मेंबर बोलते हैं, उन डेटा मेंबर के अंदर वैल्यू को इंजेक्ट करने का काम इसी का होता है। इसके अलावा इसके अंदर एओपी इंप्लीमेंटेशन है। एओपी इंप्लीमेंटेशन, एओपी स्टैंड फॉर एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहां पे बेसिकली किसी क्रॉस कटिंग कंसर्न को इंप्लीमेंट करने के लिए एओपी नाम का कंसेप्ट दिया गया। क्रॉस कटिंग कंसर्न क्या होती है, यहां पे क्वेश्चन है। क्रॉस कटिंग कंसर्न एक ऐसा कोड, एक ऐसा लॉजिक जो हमें कहीं कोड में बार बार आपको अप्लाई करना हो, तो वो कोड आप स्प्रिंग के अंदर एक जगह बना के रख दीजिए और बता दीजिए आपको कैसे कैसे लगाना है, कि इस कोड के चलने के पहले, इस कोड के चलने के बाद, या इस कोड के चलने के मिडिल में आपको ये पर्टिकुलर चीज आपको अप्लाई करनी है। वो लॉजिक आप एओपी के अंदर इंटरनली, सॉरी इम्प्लिसिटली यहां पे लगा सकते हैं। ये इसके साथ फीचर है। इसके अलावा स्प्रिंग फ्रेमवर्क मेक्स यूज ऑफ सम ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज, लाइक मैंने आपको बताया ना, सेवरल ORM फ्रेमवर्क है, लॉग इन फ्रेमवर्क है, जावा EE है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इसके अंदर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। कहने का मतलब, अगर आपने स्प्रिंग सीख लिया तो आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। इसके अंदर कोर के भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं, इसके अंदर एडवांस के बहुत मॉड्यूल हैं, ORM के मॉड्यूल हैं, स्टड्स के मॉड्यूल हैं। तो ये फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क्स है, कई सारे फ्रेमवर्क है, एक सिंगल फ्रेमवर्क इसके अंदर अवेलेबल है। और इसके अंदर एक लाइट वेट कंटेनर होता है, जिसको हम IOC कंटेनर बोलते हैं, दैट टेंड्स टू द लाइट वेट स्पेशली व्हेन द कंप्रेस टू द EJB कंटेनर्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बेनिफिशियल फॉर द डिप्लॉइंग एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर विद द लिमिट ऑफ मेमोरी एंड CPU रिसोर्सेज। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को कम से कम मेमोरी चाहिए, कम से कम CPU प्रोसेस चाहिए, और उसको सर्वर पे आप रन करना चाहते हो, तो यहाँ पे बेसिकली एक लाइट वेट कंटेनर अवेलेबल है, जिस कंटेनर के थ्रू एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को यहाँ पे सिंप्लीफाई करा जा रहा है और कम से कम रिसोर्स को यूज करके उसे चलाया जा रहा है। अगर मैं वहीं पे बात करूँ सर्वलेट की या EJB की, तो उनके रिसोर्सेज को चलाने के लिए आपको अलग से EJB कंटेनर या वेब कंटेनर की जरूरत पड़ती है, वो टाइम ज्यादा लगते हैं, CPU प्रोसेस ज्यादा वहाँ पे कंज्यूम होता है, यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं है। ये सारे बेनिफिट हैं। बेनिफिट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, देखिए, स्प्रिंग फ्रेमवर्क कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि ये लूज कपलिंग प्रोवाइड करता है। ये नहीं कहता है कि एक क्लास यहाँ है, एक क्लास यहाँ है, और एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में आप बनाइए। आप किसी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को मैनेज खुद ही कर देगा। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा अगर इसके आर्किटेक्चर की हम बात करें, बोल सकते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर ओवरऑल 20 मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, और इन मॉड्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट जो 20 मॉड्यूल्स स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर अवेलेबल हैं, वो फ्रेमवर्क्स में कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, जैसे आपका स्प्रिंग के अंदर AOP हो गया, JDBC हो गया, ORM हो गया, OXM हो गया, JMS, ट्रांजेक्शन वेब, सर्वलेट, स्ट्रट, AOP, प्लेटलेट, वेब MVC, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे डेटा एक्सेस लेयर, जैसे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। इस चीज को इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। देखिए, स्प्रिंग के ओवरऑल इतने सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा, ये डेटा एक्सेस इंटीग्रेशन लेयर है, वेब लेयर है,
कोर कंटेनर और टेस्ट है। तो यहां पे जो कि टेस्ट के ऊपर कोर कंटेनर है जिसमें बीन्स कोर कंटेक्स्ट एंड एसपीईएल आता है, ये सब अलग अलग मॉड्यूल्स हैं कोर कंटेनर के अंदर, ये मॉड्यूल्स आता है। इसके अलावा एओपी जिसमें एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एस्पेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन, मैसेजिंग, वेब के अंदर आपका वेब सॉकेट, वेब सर्व, आपका सर्वलेट, पोर्टलेट जैसी चीजें आती हैं, और डेटा एक्सेस लेयर में जेडीपीसी, ओआरएम, ओएक्सएम, जेएमएस, ट्रांजैक्शंस जैसे बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। ओवरऑल अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बट इसके एक एक मॉड्यूल को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे इसके कोर मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे जिसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल आएगा, फिर उसके बाद हम दूसरा टॉपिक, फिर एक एक करके ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम यहां से मूव करेंगे। दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको आईओसी का यानी कि स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल जो है उसका रिक्वायरमेंट क्या था और स्प्रिंग हम बेसिकली कोड के थ्रू जानेंगे उसकी नीड को, उसकी रिक्वायरमेंट को। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।